जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है शनि जयंती 2024। जानेंगे शनिदेव जयंती पर उपाय, शनिदेव जयंती पर कर लें ये खास उपाय, शनि दोष से मिलेगी हमें मुक्ति। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं शनि जयंती पर करने वाले कुछ खास उपायों की विशेष जानकारी। तो मित्रों, जिन लोगों पर शनि की साढ़े स्थिति या शनि का ढैया चल रहा है, तो आज का वीडियो उनके लिए बड़ा ही खास रहने वाला है। अगर आप शनि जयंती पर इन उपायों को आजमाते हैं अपने जीवन के अंदर, तो भगवान शनिदेव के चल रही साढ़े स्थिति या ढैया, उससे मिलेगी आपको मुक्ति। आइए जानते हैं आज की वीडियो में शनि जयंती के बारे में। मित्रों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। इस बार शनि जयंती 6 जून 2024 गुरुवार को रहेगी। शनि जिन्हें कर्म फलदाता, दंडाधिकारी और न्यायप्रिय माना जाता है, जो अपनी दृष्टि से राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। शनि जयंती के दिन उपवास रखा जाता है। इस दिन यदि आप 5 ज्योतिषीय उपाय कर लेते हैं, तो शनि दोष से मिलेगी आपको मुक्ति। मित्रों, सबसे पहला शमी की पूजा। शमी के पेड़ को साक्षात भगवान शनिदेव माना जाता है। यह पेड़ शनि ग्रह का कारक है। शनि जयंती पर इसकी विधिवत पूजा करके इस पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनि दोष से मुक्ति मिलती है। जिस व्यक्ति को शनि से संबंधित वादा दूर करना हो, तो उसे शमी का वृक्ष लगाना चाहिए। इस वृक्ष के पूजन से शनि प्रकोप शांत हो जाता है, क्योंकि यह वृक्ष शनिदेव का साक्षात रूप माना जाता है। मित्रों, प्रदोष काल में शनि वृक्ष के समीप जाकर पहले उन्हें प्रणाम करें, फिर उसकी जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद वृक्ष के सम्मुख दीपक प्रज्वलित कर उसकी विधिवत रूप से पूजा करें। शमी पूजा के कई महत्वपूर्ण मंत्र भी प्रयोग में कर सकते हैं। इससे सभी तरह के संकट मिटकर सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी आपको, और भगवान शनिदेव की मिलेगी आपके ऊपर कृपा। मित्रों, दूसरा है छायादान। शनिदेव की शाम को शनि मंदिर में जाकर छायादान करें। एक कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें अपना चेहरा देखें। इसके बाद उस कटोरी को शनिदेव के चरणों में रख दें। यह उपाय करने से भगवान शनिदेव के कष्ट से मिलेगी आपको मुक्ति। मित्रों, तीसरा उपाय है अन्नदान। किसी गरीब, अपंग, अंधे, कुष्ठ रोगी, मेहतर यानी कि बाल्मीकि, मजदूर, विधवा, कौवों, मछलियों आदि को भर पेट भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा भी दें। इससे शनिदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर जातक को आशीर्वाद देते हैं। शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का मंदिर में दान भी करें। ऐसा करने से आपका शनि कष्ट दूर हटेगा। मित्रों, चौथा उपाय है हनुमान चालीसा। इस दिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के भक्तों पर कभी भी शनिदेव बुरी नजर नहीं डालते हैं। मित्रों, तीसरा उपाय है भैरव पूजा। अमावस्या या शनिवार के दिन भैरव महाराज को कच्चा दूध या शराब अर्पित करने से शनि दोष समाप्त हो जाता है। मित्रों, आज हमने जाने हैं कुछ विशेष तरह के उपाय जो शनि जयंती पर हमें करने चाहिए। अगर आप शनि जयंती पर इन उपायों को अपने जीवन में आजमाते हैं, तो शनिदेव की साढ़े सती या ढैया से आपको मिलेगी मुक्ति, और भगवान शनिदेव न्याय के देवता होने की वजह से आपको न्याय करके उनका फल देगा। मित्रों, जैसा कि आज की वीडियो में हमने जाना शनि जयंती कब है और शनि जयंती पर हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हम शनि देव के कष्टों से मुक्ति पा सकें। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।